बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की नई वीडियो नई अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की जो अपडेट है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, रात गए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहले वाले नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया। इस कैंसिल करने की असल वजह क्या है आज की इस वीडियो में नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ बात करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मुलाजमीन के मुतालिक जो भी खबर शेयर की जाती है आप दोस्तों तक जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों आपको बताता चलूं, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन को अब कैंसिल कर दिया गया है। वो नोटिफिकेशन क्यों कैंसिल किया गया है, जो कि डेटेड को 12 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया गया है और अब जो नोटिफिकेशन है वो 5 अगस्त 2024 को जारी किया गया। इसकी असल वजह क्या है, क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और 20% इजाफा तो कर दिया गया था। अब इस नोटिफिकेशन में भी सारी सूरत हाल वही है, उसमें 25% और 20% इजाफा कर दिया गया है। लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी करने की क्या जरूरत थी, जो पहला नोटिफिकेशन का पेज है ये बिल्कुल सेम का सेम है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई। अब तब्दीली क्या की गई है आज की इस वीडियो में यह भी बता देता हूं। आप जैसा कि जानते हैं अगर आपने नोटिफिकेशन देखा है तो आप पहले पेज में अगर देखें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, दूसरे पेज के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। उसमें यह है कि पहले अगर आप पहले वाले नोटिफिकेशन में देखें तो उस पेज में एक ही पैराग्राफ है दूसरे पेज के अंदर, अब जो है दूसरे पेज के अंदर दो पैराग्राफ हैं। अब यह दूसरा पैराग्राफ इसमें क्यों लगाया गया है आपको बताता चलूं कि इस पैराग्राफ में यह लिखा गया है कि सरकारी मुलाजमीन द टर्म बेसिक पे फॉर द पर्पज ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2024 विल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ पर्सनल पे एंड ग्रांटेड अकाउंट ऑफ द एनुअल इंक्रीमेंट बियॉन्ड द मैक्सिमम ऑफ द एग्जिस्टिंग पे स्केल। उनका कहने का मकसद यह है कि 2024 को हमें पे जो एग्जिस्ट करने में थोड़ा सा, यानी कि पे बनाने में थोड़ा सा मसला बना है क्योंकि उनके स्केल मौजूद नहीं थे, वो पर्सनल पे पीपी ले रहे थे, मतलब पर्सनल पे ले रहे थे, जिसकी वजह से जुलाई के महीने में उनके पे जो मिली है उनको साथ मिलाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल था। हमने उनको अब कवर कर लिया है और अब आपको वो तनख्वाहें जो हैं मिलना शुरू हो जाएंगी। ये इस पैराग्राफ में चेंजिंग की गई है, बाकी इस नोटिफिकेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं की गई। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल का विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।